तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे साथ नादाना कल तक में। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था लेकिन दूरदर्शिनी जी के पास हमें दोबारा से आना पड़ चुका है उनका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक और वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल करवा दिया है, काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा है इनका एक और वीडियो। आइए पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं। मेरा घर भी यहीं पर है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है। यहीं पर है जहाँ पे वो पुलिस वाले रहते हैं, आप पूछिए उनसे, वो मेरे घर का एड्रेस भी जानते हैं और उन्होंने मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। नहीं नहीं, आज आप ऑर्डर दीजिए, आप ऑर्डर देंगे। ही अब्यूज मी एंड ही कैन नॉट अब्यूज अ वुमन इन फ्रंट ऑफ द सीसीटीवी फुटेज एंड द बॉय हैज रिकॉर्डेड एवरीथिंग। आप चलिए, मैं करता हूँ कार्रवाई, लिखित में करते हैं। नहीं, आज आप सभी के सामने कहिए इनसे कि ये जो ब्लैक पेंट इन्होंने करा है, इसे एंटी ब्लैक करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन्स घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान को खतरा है। एंड देन दे आर लाफिंग। हाँ चलिए, मैं करवाता हूँ, लिखित में करते हैं। नहीं, आज आप कहिए इनके सामने, क्या ये ब्लैक कलर करा सकते हैं? नहीं, नहीं करा सकते। सुना आपने? नहीं करा सकते। सुना आपने अपने मुंह से? नहीं करा सकते आप ब्लैक पेंट। एंड देन दे आर सेइंग दैट ही इज अबव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैन ही टॉक टू मी लाइक दिस? कैन ही से लाइक दिस? आप चलिए, मैं कार्रवाई शुरू करता हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या आपको पता नहीं है मुझे गुस्सा किस लेवल का आता है? मेरी पिछली वीडियो कितनी वायरल हुई थी, मैं ऊंचा ऊंचा के मारूंगी आपको ऐसे। पता है ना आपको? आप चलिए मैडम, हम लिखित में कार्रवाई करेंगे, आप चिंता क्यों करती हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक ये एंटी ब्लैक नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इनकी वजह से, इनके जैसे लोगों की वजह से इन वर्दी वालों पे सवाल उठाए जाते हैं। दिस इज द शेम फॉर द एंटायर नेशन और मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी। तो चलिए अब हम दूरदर्शन जी से जानते हैं कि आखिर इस सब का कारण क्या था। देखिए दूरदर्शन जी, इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका नाम इतना प्यारा है, आप बड़ी लिखी भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ देर के लिए अपना गुस्सा साइड में रखें और एकदम शांति से बताएं कि आखिर बात क्या थी, आखिर क्या मैटर हुआ था, ताकि हम भी समझ पाएं और हमारे दर्शक भी समझ पाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको गुस्से को लेकर कोई बीमारी है, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मतलब आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई आपको बीमारी है ऐसी? सर मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही कूल माइंडेड हूँ और इसका रीज़न है मेरे डॉक्टर्स। ठीक है, तो मेरा वही वो इस चीज़ का गवाह है कि मेरा जो बीपी है वो लो रहता है और जो लोग गुस्सा करते हैं उनका बीपी मोस्टली हाई रहता है। गुस्सा मुझे उस वक्त इसलिए आया क्योंकि बात मेरी जान की आ गई थी और फिर मैं किसी को नहीं छोड़ती। अच्छा ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी अभी सुना कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं, तो आपका कोई चेकअप वगैरह चल रहा है, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह किसी डॉक्टर से? जी सर, मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में जैसा कि बताया कि मुझे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लीवर, किडनी, ब्रेन एंड स्टमक। हाँ वो तो पता है हमें, ब्रेन वगैरह की बीमारी है, वो सब तो हम कब से देख ही रहे हैं। खुजली है भाई, खुजली है भाई, खुजली है, ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है, ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। इसीलिए लगाइए खुजली का स्पेशलिस्ट सिर्फ नया इजगार्ड। इसका आईसी फॉर्मूला दे ठंडक और तुरंत राहत। नया इजगार्ड, खुजली का हैप्पी एंडिंग। आपकी हर वीडियो जब भी वायरल होती है आप इतने गुस्से में होती हैं, आपको क्या नहीं लगता कि आप कानून अपने हाथ में ले रही हैं? जैसा कि आपने उस कैब ड्राइवर को भी मारा, क्या आपको नहीं लगता कि आपको पहले पुलिस में कंप्लेन वगैरह करनी चाहिए थी? सर आप यहाँ पे मेरी इंसल्ट कराने के लिए आए हैं या मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं? नहीं देखिए, इंसल्ट की कोई बात नहीं है, हम लोग सिर्फ आप पर वो आरोप लगाना चाह रहे हैं जो उधर से जो कैब ड्राइवर ने जो कहा है। कैब ड्राइवर ने कहा है कि उसने, आपने उसकी डेस्क से उसकी पेमेंट भी चुराई, उसका फोन भी तोड़ा। आपको क्या लगता है आपने सही किया? आपने जो उसका फोन तोड़ा, आपने उसके पैसे छीन लिए, क्या आपने सही किया? देखिए आपको मेरी बात सुननी होगी, हम मीडिया से हैं, हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले आपको हमारा जवाब देना होगा। आपको क्या लगता है आपने सही किया? हाँ सर, मैंने बिल्कुल सही किया और ऐसी स्थिति में मेरी जान वहाँ पे खतरे में थी सर। आपकी जान को खतरा था, लेकिन वो हम भी समझते हैं, रोड पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, मगर क्या आपको नहीं लगता कि आपने कानून अपने हाथ में ले लिया? कानून हाथ में लेने की बात नहीं है, बात यहाँ पे सही गलत की हो रही है, मेरे अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल सही हूँ। आप सही हैं वो चलिए हम भी मान सकते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको ये बात ट्रैफिक पुलिस को बतानी चाहिए? मैंने बता दिया कि मैंने क्या करना था, मैंने जो किया सही किया, कैब ड्राइवर पहले से आप लोगों की नजरों में सही हो चुका है, मैं गलत हो चुकी हूँ, तो फिर इंटरव्यू किस बात का हो रहा है? इंटरव्यू इसी बात का हो रहा है ताकि आपकी बात भी लोगों तक पहुंचे। वो रिकॉर्डिंग कहाँ गई? 24 आज जब कोई सीसीटीवी कैमरा चल रहा है तो उसकी बाकी की रिकॉर्डिंग कहाँ है? बाकी की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, लेकिन बाकी की रिकॉर्डिंग में आप है ही नहीं, तो उस रिकॉर्डिंग निकालने से क्या फायदा? सर मेरे से बहस मत कीजिए, आप जानते हैं कि मैं कैसे ऊंचा कुछ। देखिए बहस शुरू आप कर रही। जो भी पके ऐसा पके, जहां भी जो हो खींचा चला आए एमबीएच मसाले, किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच एमबीएच एमबीएच। हम आपकी बात बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुन रही हैं। हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं जो कैब ड्राइवर ने आप पर इल्जाम लगाए हैं, क्योंकि उसकी बात लोगों तक पहुंच चुकी है और हर सबूत में, हर वीडियो में वो सही दिख रहा है, आप गलत दिख रही हैं। इसलिए हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर मैं इस पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना ही नहीं चाहती।
तो दोस्तों मामला यहीं समाप्त हो चुका है। दूरदर्शन जी, हमें लगता है एक सेकंड, हमें हमारे सूत्र से कुछ खबर मिल रही है। क्या क्या कहा? दूरदर्शन जी ने टिकट कराए? दूरदर्शन जी, ये टिकट किस चीज़ का? सर देखिए, अभी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं ये तो बताइए। सर ये मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है सर। रन पकड़ो, दूरदर्शन जी को पकड़ो, कंटेंट चला जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा, व्यूज कहाँ जाएंगे? दूरदर्शन जी, तो दोस्तों दूरदर्शिनी जी तो जा चुकी हैं यहाँ से, हमारे सभी सवालों को छोड़कर भाग चुकी हैं। हमें हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि दूरदर्शिनी जी ने अपना नाम प्रियदर्शिनी रख के लखनऊ की टिकट कटाई है। अगर वहाँ से कोई भी खबर मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ना जरा, कल तक मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मम्मी की प्यारी और पापा की परी तो मैं हूं।